हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑटो पार्ट्स बनाने वाली सात ऐसी कंपनीज के बारे में जिनमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और ऑटो सेक्टर डाउन चल रहा है, जिसके कारण इन कंपनीज के शेयर प्राइस में भी डाउनफॉल आया है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इन स्टॉक्स में बाइंग पोजिशन बनाई जाए। इन स्टॉक्स को ट्रेड किस तरीके से करना है, आपको हर महीने कुछ क्वांटिटीज इन स्टॉक्स की एड करते जाना है। तो जब भी ऑटो सेक्टर का अच्छा मूवमेंट आएगा, तब ये स्टॉक्स बहुत तेजी से जो है भागने वाले हैं और आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्टॉक से। पहला स्टॉक जो है हमारा मिंडा इंडस्ट्रीज, ऑटो कंपोनेंट बनाती है। 296 का करंट प्राइस चल रहा है और पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 10 साल में 2772% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन इस कंपनी में पिछले एक साल में देखेंगे तो 29.63, यानी लगभग 30% की गिरावट आई है। अच्छा खासा करेक्शन हुआ है स्टॉक में, तो इस स्टॉक में आप पोजिशन बना सकते हैं। हर महीने 20 या 30 शेयर की जो है SIP कर सकते हैं। मिड कैप की कंपनी है और पीई के हिसाब से देखें तो भी स्टॉक सस्ता मिल रहा है, डिविडेंड भी कंपनी का अच्छा है। आप देखिए क्या क्या कंपोनेंट बनाती है ये कंपनी, आप देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। स्विचेस बनाती है, सेंसर्स, उसके बाद कंट्रोलर, स्विचेस, मिरर, लाइटिंग, फिर होर्न्स बनाती है, CNG किट्स बनाती है, तो कंपनी सीट बेल्ट बनाती है, सीटिंग, व्हील कवर्स, उसके अलावा देखिए ब्लू मोल्डिंग कंपोनेंट्स। तो कंपनी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बनाती है और इस कंपनी का बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस है। बस ऑटो सेक्टर डाउन चल रहा है इसलिए गिरावट आई है, तो इस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और डिविडेंड थोड़ा कम देती है, लेकिन देती जरूर है, अपने इंडस्ट्री में पांचवें नंबर की कंपनी है। सेकेंड कंपनी जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट की है वो है ऑटोमोटिव एक्सल्स। एक्सल्स और ब्रेक्स बनाने का काम करती है कंपनी, स्मॉल कैप की कंपनी है और देखिए 13.5 रुपए का डिविडेंड देती है। और करंट प्राइस से आप SIP करना स्टॉक में स्टार्ट कर सकते हैं। अपने इंडस्ट्री की 17th नंबर की कंपनी है, 1981 से ये कंपनी चालू हुई थी। और रिटर्न भी अगर आप देखेंगे इस कंपनी का तो देखिए 10 साल में 411% का रिटर्न बना के दिया है। और अपने पी से देखें, इंडस्ट्री पी से, तो ये स्टॉक अभी आपको सस्ते में अवेलेबल हो रहा है, स्मॉल कैप की कंपनी है। SIP मोड में बाय कीजिएगा किसी भी कंपनी को, बड़ा अमाउंट एक साथ मत लगाइएगा। जैसे 1 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं तो कम से कम 1 लाख को भी 5 या 6 पार्ट में आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। 10,000 या 5,000 की SIP करके ही आप जो है स्टॉक मार्केट में बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका रिस्क मिनिमम हो जाएगा और स्टॉक गिरेगा तो ज्यादा क्वांटिटी आपकी ऐड होती रहेगी पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट कंपनी है लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी, बहुत ही अच्छी कंपनी, लेकिन गिरावट जबरदस्त हुई है इस कंपनी में। 84 का प्राइस चल रहा है। यहाँ से आप SIP मोड में इस कंपनी पे लगभग 50-50 शेयर की SIP कीजिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। माइक्रो कैप की कंपनी है, इंडस्ट्री पी से देखें तो ये भी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर आपको अवेलेबल हो रही है। 10 साल में 1392% का रिटर्न बना के दिया है। इसका डिविडेंड देखिए आप कितना देती है कंपनी, 2 रुपए का डिविडेंड देती है। और देखें तो ये क्या क्या बनाती है, देखिए ऑटोमोटिव पार्ट्स लाइक शीट मेटल्स पार्ट, फैब्रिकेटेड असेंबलीज, ट्यूबुलर पार्ट्स फॉर 2-व्हीलर एंड 3-व्हीलर इंडस्ट्री के लिए बनाती है। 1981 से ये चालू हुई थी कंपनी और 2 रुपए का डिविडेंड देती है। माइक्रो कैप की कंपनी है, कंपनी शानदार है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, लीफ स्प्रिंग बनाती है। इस कंपनी ने भी 10 साल में 1282% का रिटर्न बना के दिया था, लेकिन एक साल में देखिए 47% का जो है डाउनफॉल आया है, 47% की गिरावट आई है एक साल में। और ये कंपनी अभी ऐसी वैल्यूएशन पर है जहां से ये अपर मूवमेंट ही देगी, क्योंकि लीफ स्प्रिंग जो है कॉमर्शियल व्हीकल में सबसे ज्यादा यूज होती है और आप कॉमर्शियल व्हीकल के हिसाब से देखेंगे तो अशोक लेलैंड के सेल्स में भी गिरावट आया है। तो ये कंपनी जबरदस्त है, प्रोडक्ट इसका शानदार है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। करंट प्राइस से आप इस कंपनी के कम 50 शेयर की SIP चालू कर सकते हैं। सारे स्टॉक्स को आपको बाय नहीं करना है, आपको जो स्टॉक्स आपके हिसाब से अच्छे लगे उन स्टॉक्स में ही SIP करनी है। मैं आपको सात अच्छे स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है मदरसन सुमी, 112 रुपए का प्राइस चल रहा है, लार्ज कैप की कंपनी है ये।
और आपको बढ़िया वैल्यूएशन पर मिल रही है, इंडस्ट्री पी के हिसाब से भी सस्ता है, और 10 साल में देखिए 1000% का रिटर्न है, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी इसका 1 से कम है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। डिविडेंड कितना देती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ₹2.25 का डिविडेंड देती है, और मदरसन सुमी अपने आप में एक ब्रांड है, और ये कंपनी आने वाले टाइम में ज़रूर ग्रो करेगी और बहुत शानदार कंपनी है। अपने पोर्टफोलियो में SIP मोड में स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, 25 से 30 30 शेयर की SIP इस स्टॉक में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है, मैंने बैटरीज की बनाने वाली कंपनीज को भी इस वीडियो में जो है ऐड कर लिया, क्योंकि बैटरीज भी एक ऑटो पार्ट्स का हिस्सा है, यानी कि कार में अगर बैटरी लगेगी तो ये कंपनी भी ऑटो पार्ट्स बनाने वाले में भी ही जो है कंसिडर की जाएगी। एक्साइड इंडस्ट्रीज, बैटरीज का टाइम आने वाला है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जब भी चलेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो करेगी, अभी ₹184 के प्राइस पर अवेलेबल है। यहाँ से स्टॉक को आप जितनी क्वांटिटी में बाय करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये जबरदस्त मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा आने वाले टाइम का। मिड कैप की कंपनी है, डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है, और इंडस्ट्री पी के हिसाब से देखें तो लगभग जो है बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का CV देख लेते हैं हम, डिविडेंड कितना देती है तो 0.80 का ही डिविडेंड देती है अपनी, और अपनी इंडस्ट्री में बैटरी बनाने में नंबर 1 कंपनी है। और जो लास्ट कंपनी मैंने आपके लिए सेलेक्ट की है वो है अमर राजा बैटरीज, ये कंपनी भी जबरदस्त है और मल्टीबैगर रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में बना के देगी, 10 साल में 1064% का रिटर्न बना के दिया है। मिड कैप की कंपनी है, डिविडेंड कितना देती है वो देख लेते हैं, तो ₹5 का जो है कंपनी डिविडेंड देती है और अपने इंडस्ट्री में सेकंड नंबर की कंपनी है। तो ये हो गई 7 कंपनीज, सभी के फंडामेंटल लगभग अच्छे हैं, किसी के फंडामेंटल ज़्यादा खराब नहीं है, बस जो है इनके सेल्स में और प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट आई है, जिसके कारण कंपनी के शेयर में डाउनफॉल आया है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, कंपनीज को आप SIP मोड में बाय करते रहें, लगातार बाय करते रहें, आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा, और इनमें से आप 2 या 3 कंपनी, 2 कंपनीज को जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 7 कंपनीज में से आपको जो भी, एक्साइड को तो आप शामिल कीजिएगा ही, और उसके अलावा मिंडा या मदरसन सुमी में से एक स्टॉक को भी आप ऐड कर सकते हैं। ये जो है मेरी एडवाइस है, अदरवाइज आप जो है आपको आपके गोल के हिसाब से कौन सा स्टॉक बाय करना है बाय कर सकते हैं, 7 की 7 कंपनी बहुत ही अच्छी है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।